विशाल टाउन 4 के बठतल बाजार में बारा से आने वाले नाले पर लोगों ने दर्जनों दुकानें तामीर की है, जहां पर रोजमर्रा की अशिया फरोख्त की जा रही है। गुज़श्ता साल भी इस इलाके में सैलाबी रेला 150 के करीब दुकानें बहाकर ले गया था। मानसून की मुमकिन बारिशों के बाद दुकानदारों में खौफराज फैल गया है। दुकानदारों का मौकब है कि न तो उनके पास किराया है, न हुकूमत सैलाब की सूरत में इमदाद करती है। ये रास्ता है और ये पुल है, ये सरकारी रोड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग बहुत कारोबार कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कहेंगे कि हुकूमत जो है लोगों को ये कुछ भी नहीं दिए। क्या करूँ, सैलाब की वजह से मेरा नुकसान तो हुआ है और जिन लोगों का कर्जदार हूँ वो पैसे मांग रहे हैं, इसलिए यहाँ सड़क किनारे दुकान पर बैठा काम कर रहा हूँ और कोई जगह तो नहीं। बाड़ा से आने वाले नाले के दोनों अतराफ ट्रांसपोर्टरों ने गैरकानूनी अड्डे भी कायम कर दिए हैं, जबकि मुस्तकिल बाजार की वजह से यहाँ की मकीनों को भी मुश्किल का सामना है। किसी लोगों को नुकसान हुआ था तो जिसके ये दुकान है तो ये लोग नहीं समझते, पर लोगों की भी तकलीफ होती है और रास्ते रोड भी बंद हो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। रोड का ख्याल नहीं रखते, कचरे फेंकते हैं, पानी फेंकते हैं रोड पर, लोगों को तकलीफ होता है आने जाने में। रोड बंद हो जाता है, गाड़ी में किसके साथ मरीज होता है तो कुछ भी नहीं सुनते ये लोग। खैबर जिंसी से आने वाले नाली की सफाई का अमल भी नहीं किया जा सका। मुमकिन सैलाब की सूरत में न सिर्फ दुकानों बल्कि करीबी मकानों को भी सैलाबी रेले का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ नुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।